तो हम देख रहे थे ये मेकिंग चेंज प्रॉब्लम्स को। तो इसमें जो हमने प्रॉब्लम देखा है उसमें 14 कॉइन्स, यानी कि नंबर ऑफ कॉइन्स जो थी वो हमारे सॉल्यूशन को फुलफिल कर रही थी, 14 कॉइन्स। तो हमने नेक्स्ट ऑप्टिमल की तरफ जाना है। अब इस इंस्टेंस इसमें भी वही है, ग्रीडी चॉइस अगर देखी जाए तो स्टार्ट बाय ग्रैबिंग क्वार्टर्स अंटिल एक्सीड्स अमाउंट्स। हमने क्या करना है, ग्रीडी चॉइस हमारी जो है उसको हमने पहले देखना है कि स्टार्ट्स बाय ग्रैबिंग क्वार्टर्स, पहले हमने क्वार्टर्स को देखना है क्योंकि ये बड़ी करेंसी है। अंटिल एक्सीड अमाउंट्स, देन डाइम्स, देन निकल्स एंड देन पेनीज। डज दिस लीड टू एन ऑप्टिमल नंबर ऑफ कॉइन्स? अगर हम यहां पे देखें तो 25 25 25 की हमने 3 ले ली है, तो 75 तो ये बन गए, प्लस 10 प्लस 5, इससे ज्यादा हम ले नहीं सकते। अगर 25 की और ज्यादा लेते हैं तो ये 100 को एक्सीड कर जाएगा, और 10 की अगर 2 हम लेते हैं तो फिर ये पहुंच जाएगा 95। तो हमने कोई ऐसा सोल्यूशन देखना है जो कि हमारे टोटल जो 92 सेंट्स बन रहे हैं उसको एक्सीड ना करे, उस अमाउंट को। तो 25 और 25 के 3 हमने लिए, 75 बन गए, प्लस 10, 85 प्लस 5, 90 एंड 2, 92 बन गए। तो यहाँ पे जो कास्ट आई है इस सॉल्यूशन की वो क्या है, 7 आई है। तो यानी कि हमारा जो पिछला सॉल्यूशन था वो सिर्फ जस्ट सॉल्यूशन ही था, ना कि एक हमें ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिला था। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि हमें एक अच्छा सॉल्यूशन मिला है जो कि सिर्फ 7 कॉइन्स ले रहा है फुलफिल करने के लिए। तो हार्ड मेकिंग चेंज एग्जांपल हम देखते हैं कि प्रॉब्लम फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ 4, 3 एंड 1 सेंट कॉइन टू मेक अप 6 सेंट्स। हमने 6 सेंट बनाने हैं, तो मिनिमम नंबर ऑफ सेंट्स हमारे पास, सेंट्स पड़े कितने हैं कि 4 है, 3 है और 1 की कॉइन पड़ी हुई है। तो हमारी ग्रेडी चॉइस क्या होगी, यानी कि ग्रीडी चॉइस मैंने बताया है कि ग्रीडी चॉइस हमेशा बेस्ट को देखती है कि स्टार्ट में हमें बेस्ट क्या मिल रहा है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ग्रीडी चॉइस हमारी यही होगी कि 4, हमारे पास बड़ी जो कॉइन है वो 4 की है, इसको हम ले लें। तो स्टार्ट बाय ग्रेबिंग ए 4 सेंट कॉइन। हम स्टार्ट किससे करेंगे, 4 वाली कॉइन से करेंगे ताकि हमें जल्दी से सोल्यूशन मिल जाए, क्योंकि ये हमारी ग्रीडी चॉइस है। सबसे बड़ी कॉइन जो है वो 4 की है। जब हम 4 की लेंगे तो फिर हमें एक एक वाली 2 कॉइन्स लेनी होगी, तब जाके 6 पूरे होंगे। तो ये मिस्टेक है। अगर हम पहले ही 3 वाली ले लें और फिर 3 वाली ले लें तो फिर ये 2 कॉइन्स में जाके 6 बन जाते हैं। तो ये हमें रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि 3 वाली हम कितनी लेते हैं, 1 वाली हम कितनी लेते हैं, लेकिन ये हमारे पास जो अवेलेबिलिटी है वो 4 की है, 3 की और 1 की है। तो हमने जब ग्रीडी चॉइस अपनाई है यहाँ पे तो हमने गलती कर दी है। तो 6 कॉइन बनाने के लिए हमने 3 कॉइन्स को लेना पड़ा है, 4, 1 और 1 वाली। तो हम क्यों ना 3 और 3 वाली 2 ले लें, तो ये एक बेटर सॉल्यूशन होगा। तो यहां पे बताया गया है कि ग्रीडी एल्गोरिथम डज नॉट वर्क हियर। यहां पे जो है वो ग्रीडी एल्गोरिथम, इसी तरह के काफी सारे आपके प्रॉब्लम्स ऐसे आते हैं जिनमें आपको लग रहा होता है कि यह हम ऑप्टिमल सॉल्यूशन की तरफ जा रहे हैं, लेकिन कहीं कहीं पे ग्रीडी एल्गोरिथम जो होते हैं वो सही तरीके से काम नहीं करते। सर, ये जो हमने ये वाला प्रॉब्लम किया और इसे पीछे हमने एक प्रॉब्लम किया है, तो इसमें जैसे आप 4 प्लस 1 प्लस 1 का एक मतलब फाइंड किया है, फिर 3 प्लस 3 और एक और अगर 1 प्लस 1 का करें तो वो भी इस तरीके से। अगर इसी को हम लोग डायजेक्स्ट्रा अल्गोरिथम में सॉल्व करें, अगर हमें कोई मिलता है बीच में के इसको डायजेक्स्ट्रा में करके दिखाएं, तो ये जो एक हम लोग 6 तक बनाने के लिए जितने जितने कॉइन्स ले रहे हैं वो हमारा एक पाथ बनेगा वहां पे? मैं नहीं समझा आपकी बात।
सर मेरी बात यह है कि अब जैसे हम लोगों ने 6 सेंट्स बनाने हैं जी, तो इसके लिए हमारे पास कॉइन्स हैं 4, 3 और 1 जी, हम लोग 6 बनाने के लिए 4+1+1 का एक बना रहे हैं, फिर सेकंड हम बना रहे हैं 3+3 का, थर्ड हमारे पास चॉइस है कि 1-1 के हम ले लें और हम 6 बना लें, मतलब बैटर को हमने देखना है। अगर इसी को हम डाइजेक्स्ट्रा में लेके जाते हैं एक अल्गोरिथम के, हमें एक डायग्रामेटिकली इसको शो करना है, तो वो जो एक हम लोग पूरा ले रहे हैं 6 तक बनाने के लिए, वो हमारा एक पाथ बनेगा, पूरा सोल्यूशन बनेगा हमारा, पूरा सोल्यूशन बनेगा। ठीक है जी, ये आगे हम कुछ ग्राफिकल हमारे एग्जांपल्स आ रही हैं उसमें आपको समझ आएगी कि ग्रीडी एल्गोरिथम्स किस तरह काम करते हैं। ठीक है सर, थैंक यू। व्हेन डज इट वर्क्स? ग्रीडी एल्गोरिथम्स इजी टू अंडरस्टैंड एंड टू कोड, बट डू दे वर्क? फॉर मोस्ट ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स ऑल ग्रीडी एल्गोरिथम्स ट्राइड डू नॉट वर्क, यील्ड सब ऑप्टिमल सॉल्यूशंस। हमने किस तरफ जाना होता है? सब ऑप्टिमल सॉल्यूशंस की तरफ जाना होता है। बट सम प्रॉब्लम्स कैन बी सॉल्व्ड ऑप्टिमली बाय अ ग्रीडी एल्गोरिथम। लेकिन कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हैं, जिस तरह हमने कॉइंस वाला प्रॉब्लम देख लिया कि 25, 25 और 25 की तीन कॉइंस हमने ग्रीडी चॉइस से जब किया तो हमने इजीली सॉल्यूशन फाइंड कर लिया, तो किसी जगह पे ये एल्गोरिथम जो है वो